श्री राम की नगरी अयोध्या में पग पग पर मंदिर हैं। इन्हीं में एक है वाल्मीकि रामायण भवन। ये वाल्मीकि रामायण भवन है। यहाँ पहले एक कथा बंगला था, यहाँ वाल्मीकि की कथा होती थी। अभी ये जो वर्तमान में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास जी महाराज हैं, उन्होंने ये वाल्मीकि रामायण भवन ये 24,000 श्लोक संगमरमर की दीवार में इन्होंने अंकित। हाँ, सभी श्लोक हैं। वाल्मीकि रामायण के राम जी का चरित्र जो है वो सारा इसमें वर्णन है, शुरू से जन्म से लेकर के राजगद्दी तक का सारा वर्णन इसमें मौजूद है। तो रामायण ही है ये? रामायण है, वाल्मीकि रामायण भवन। ये 24,000 श्लोक रामायण की है, क्योंकि रामचरितमानस तो हिंदी में है, लेकिन ये वाल्मीकि रामायण जो है ये संस्कृत में। ये कथा बंगला था, और जो वर्तमान महंत जी हैं उन्होंने 1985 में इस रूप में इसको करा दिया। वाल्मीकि जी ने रामायण संस्कृत में लिखी, बाद में तुलसीदास बाबा ने इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए इसका सरलीकरण किया। उन्होंने रामचरितमानस में श्लोकों को चौपाइयों का रूप दिया। इससे भगवान के चरित्र को आसानी से न सिर्फ समझा जा सका, बल्कि भक्तिभाव से गाया जाना भी संभव हो सका। वाल्मीकि रामायण भवन में वाल्मीकि जी का मंदिर भी है। इसमें वाल्मीकि जी भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश के साथ विराजमान हैं। बीच में वाल्मीकि जी, मतलब कुश।